सेमीफाइनल ले एंट्री मारिला टीम इंडिया प्रथम टीम भाबे भारतीय खिलाड़ी कले कमाल काम देला कैप्टन तिलक वर्मा को रणनीति धुआंधार बैटिंग रे जमिला ओमान क्रिकेट स्टेडियम एमर्जिंग एशिया कप सेमीफाइनल ले पहुंची सारी भारतीय टीम प्रथम दल भाबे सेमीफाइनल ले एंट्री मारिछि दल अनेक बल बड़का थाई सहजरे यूएई टीम को चकमा देथिला भारतीय टीम प्रथमे यूएई टॉस जीति बैटिंग करिवार निष्पत्ति नेथिला मैदान ने भारत सह लड़िबा पई कड़ा रणनीति सह बैटिंग करिबा को आसीथिले यूएई खेलाड़ी मात्र भारतीय बॉलर को बॉलिंग रे धराशायी होई गोटिए परे गोटिए गुरुत्वपूर्ण विकेट हराइथिला यूएई टीम दुई ओवर हेबा आगरु दुई भल बैट्समैन को हराइथिला विपक्ष दल मात्र 11 रन ने दल तरफ रु दुईटी विकेट जाइथिला तबे 100 रन बेलकु यूएई रो 8 टी विकेट हराई सारिथिला रन करबा पई यूएई पाखरे जथेष्ट परिमाण बॉल थिला तबे खेल स्कोर आगु को बढाइबा को खेलाडी को आउ किछि समय क्रीज रे रही रन करिवार आवश्यकता थिला मात्र भारतीय बॉलर को बॉल को सामना करबा यूएई खिलाड़ी को पक्ष रे एते सहज नथिला 16 ओवर 5 बॉल ले यूएई समस्त विकेट हराई मात्र 107 रन करथिला तबे परे मैदान को बैटिंग करबा कसले भारतीय खिलाड़ी भारत तरफ रु प्रभा सिमरन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करबा को आसीथिले यूएई बॉलर को प्रथम बॉल रे एक छक्का मारी खेल आरंभ करथिले प्रभा सिमरन मात्र 8 रन ने प्रभा सिमरन को विकेट पड़ा पर अभिषेक शर्मा और कैप्टन तिलक वर्मा एक दमदार पाली खेलते अभिषेक शर्मा 20 बल्ले अर्धशतक करते ओमान क्रिकेट स्टेडियम रे चौका और छक्का वर्षा करते भारतीय बैट्समैन तबे शेष बल्ले एक चौका मारी दल को जीत देते आयुष बडोनी शेष बल्ले चौका मारिबा सह 55 टी बॉल बड़का थाई भारत विजयी होता रसिक सलाम 15 रन दे 3 टी विकेट नेथिले एहा भारतीय खेलाडी को जीत को अधिक सहज करथिला तबे रसिक सलाम को शेषरे प्लेयर ऑफ द मैच मिलथिला तबे गतकालीर मैच रे भारत सहज रे विजय हासिल करथिला बोली पूर्वतन खेलाडी कहिछन ब्यूरो रिपोर्ट समय लाइव।